close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on we'll go. AI Training Institute की प्रैक्टिकल क्लास, वो जो थ्योरेटिकल क्लास थी, प्रैक्टिकल क्लास यहाँ चल रही है। डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं और समझाने लग रहे हैं और बताने लग रहे हैं हमारी गौ माता का इलाज करने लग रहे हैं। आ जाओ देख लेते क्या है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा ये क्या किस चीज़ का है? ये मैस्टाइटिस है जी। अच्छा थनेला रोग। अच्छा जी। और इसका ये गौशाला में थोड़ा थोड़ा दूध रह जाता है ना, तो ये गायें यहाँ छोड़ जाते हैं, जमींदार फार्मर जो है जी जी। तो वो इनका थन में दूध खराब हो जाता है, इसलिए ये थन खराब भी हो जाते हैं, और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, और इसमें हमें वो थन पाट भी गई है, ये बच्चे देखो दवाई लगा रहे हैं और इसका दूध निकाल भी गए हैं सारा। वो बाल्टी में दिखाना, ये दूध निकाला है इसका, ये ऐसा खराब हो जाता है। और ये रिपीटर भी हो जाती है, जैसे कि बार बार गर्मी में आना और रुकती नहीं ब्याने के लिए, तो वो भी जमींदार यहाँ छोड़ जाते हैं। तो ये जो मेरे भाई लग रहे हैं जी कराने के, जी जी कितना यू आसान काम या मुश्किल? देखो जी, काम तो कोई मुश्किल मैं तो मानता ही नहीं। जो हम जैसे ये चीज़ है ना, ये मेरे लिए मुश्किल है, मुझे पता ही नहीं कौन सी साइड से बटन खोलना है, कौन सा नहीं। जिसकी जो लाइन बनती है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल और साधारण है काम करने में। ये बच्चे भी ये गाय के लिए इतनी भाग के पकड़ लेते हैं, ये गाय वैसे खुली छोड़ दो तो हर एक आदमी को तो मार देगी। आप नज़दीक नहीं जा सकते इसके लिए, क्योंकि आपके लिए तो ये बहुत बड़ा पहाड़ है, और हमें तो इसको जैसे छोटी बकरी पकड़ ली, इसको ऐसे पकड़ लिया कब्बू करने में। अब ये जितने बच्चे हैं, जितने भी हैं, और सभी के सभी गाय को पकड़ने में, जैसे कि अपने ये सरदार जी है, इनको पूछो कोई डर लगता है कि गाय के बारे में? कहाँ से हो सरदार जी? मैं सफेद शहर से हूँ, जीन जिले में लगता है। सफेद से मैं भी जीन जिले में। तो कितना आसान काम? आसान काम है ये, अपने कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको पकड़ो और इलाज करना है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये इलाज काम अब स्टडी करने लगे हो? हाँ जी। कहाँ से? मैं करनाल हरियाणा से। करनाल से जी। कितना आसान? बिल्कुल आसान काम है, पकड़ना भी आसान है, अगर एक बार जिस चीज़ का हिसाब आ जाए तो उसको काम करना बिल्कुल आसान है। बहुत आसान है। हाँ बिल्कुल बहुत आसान। कहाँ से हो? पानीपत हरियाणा से। पानीपत हरियाणा से। प्रैक्टिकल जो है, हमारे गुरु जी खड़े हैं, डॉक्टर साहब खड़े हैं, कितना मजा आवे है कि भाई हाँ सही होने लगी प्रैक्टिकल? अच्छा मजा आता है, संतुष्टि है। हाँ जी सर। कैसे बताते हैं आपको, आपके जो सही से या कैसे बताते हैं आपको? सही फील कराते हैं AI PDB। अच्छा AI कैसे करवाओ सर इनको? AI तो ये जो पशु है ना जी, जी। ये रिपीटर है। अच्छा। ज्यादातर गौशाला में गायें रिपीटर आती है जी जी। और इनकी बच्चा दानी का मुंह लगभग खुला भी मिल जाता है, और उसके अंदर जो खाली है उसके लिए तो हम फील कराता हूँ भाई ये खाली है, तो हाथ से पता चल जाता है। कई प्रेग्नेंट भी बहुत आ जाती है, क्योंकि सुननी होती है, प्रेग्नेंट भी हो जाती है, तो ये बच्चे वहाँ तक बताते हैं ये सर 2 महीने की है या 1.5 महीने की भी होगी। हमारा जो प्रैक्टिकल है 3 महीने से पहले तो वैसे पता नहीं चलता कई बार, लेकिन मेरा अपना 36-37 साल का अनुभव है, और मैंने अच्छा गायनिकोलॉजी के बारे में बहुत अच्छा काम किया मैंने फील्ड के अंदर। हाँ बहुत ज़्यादा किया, और इसलिए इन बच्चों को अपने आप बताने लगे कि जी हमें ये फील हो गया, ये प्रेग्नेंट है, ये खाली है, जो भी है। उसके बाद जब ये रिपीटर होती है तो उसके ही हमारे पास गन है। ओके दिखाना, दिखा बेटा ये गन है, और वो अच्छा। वो बीटाडीन कहाँ पर रखी दिखाओ? तो जो रिपीटर है उसके खुला होता है ना बच्चादानी का मुँह, तो ये गन हम पास करते हैं। ले रहे होगे फोटो अपनी जी? हाँ, तो उससे ये करते हैं ना, बीटाडीन भरी हुई सिरिंज में दो बेटा। हाँ ये दो, ये दे दो, ये दे दो,
और हम उसके अंदर जब ये इन बच्चों को मैं सिखाता हूँ ना, तो ये गन अंदर पास हो जाती है, पास होगी तो एआई के अंदर भी हमारी ये गन पास होगी, क्योंकि सिमन तो हम लगाएंगे तो ये नहीं पता ये कितनी रिपीटर है कितनी वो है, एआई और अंदर दवाई रखना बराबर है। ओके हाँ, तो उसके अंदर हम इसको डाल के गन को हम पास कर देते हैं बच्चादानी के अंदर, उसके बाद फिर ये दवाई विटाडिन डाल के और अंदर छोड़ देते हैं। क्या अभी मुमकिन है ये चीज करवा पाना? अभी करवा दूं जी, अभी करवा दें, अभी मैं देखना चाहूंगा सर, जरूरत हो तो करके दिखाइए, वरना गांव ने तो हम क्यों परेशान करा। नहीं, एक चीज और जी, इनको तो हम वैसे भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो जंगली जानवर वर्गीय है ये, परेशान तो हो या ना हो इनका काम, इनके फायदा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, इनको तंग नहीं कर रहे, इनके फायदे का कर रहे हैं। जैसे कि खाली है तो लगभग मैं उनके बच्चादानी में दवाई रख देता हूँ, ठंड खराब है तो उनके दूध निकलवा देते हैं या उसके अंदर दवाई टेक देते हैं। ओके, तो फिर मैं चाहूंगा जी कोई विद्यार्थी अगर इस बात ने, इस चीज ने करके दिखावे। हाँ, दिखाएगा प्रैक्टिकली, हम बिल्कुल दिखा देंगे। आसान है भाइयों का? हाँ जी आसान है। 3 महीने का जो टाइम है उसमें इतना कुछ सीख जाओ तो? हाँ जी, 3 महीने का बहुत लंबा टाइम होगा। बहुत लंबा है? हाँ जी, बहुत लंबा है। अच्छा, इससे पहले जो थ्योरेटिकल क्लास है, जो क्लास में बैठ कर पढ़ो, हाँ जी, वो कैसा, उसमें कितना सीखो? सब कुछ तो सर दो महीने की थ्योरी होती है हमारी, 1 महीने की प्रैक्टिकल होती है। ज़्यादातर हमारी थ्योरी एक महीने में प्रैक्टिकल करवा देते हैं और 1 महीना रिवीजन चलता है, तो हो जावे सब। हाँ, सब कुछ हो जावे, इसलिए समझ में आ जावे। हाँ जी, थ्योरी से प्रैक्टिकल में जल्दी पकड़ हो जाती है सर। आप VLDA डॉक्टर हैं? VLDA रिटायर्ड VLDA हैं। तो ये जो लगे हैं, ये कोर्स करके जावे हैं, तो VLDA के साथ ही एज ए हेल्पर काम कर सकें, किस तरीके से काम कर सकें? ये तो जाके जो करना चाहें जी, तो करना अपना न्यू समझ में, मैं फील्ड में इंडिविजुअल करना चाहूँ, अकेला? हाँ, अकेला कर देगा। मैं अकेला करने वाला तो यहाँ से भेज ही देता हूँ, अपने ये खर्चा पानी आपका निकालने के योग्य हो जाते हैं, फार्मर को भी संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बैठना और उनकी लैंग्वेज में जो बढ़ना होता है ना, तो वो जैसे कि आपके साथ कोई आपका बंदा आपके साथ जाएगा तो बोलना और तरीका वो हो जाता है। फील्ड में पब्लिक के साथ थोड़ा सा रिलेशन बनाने के लिए VLDA के साथ महीने दो महीने जरूरी है, और कोई इनकी काम सर्टिफाइड ये हो चुके हैं। हाँ, सर्टिफाइड हो जाते हैं, फिर साथ में VLDA को और संतुष्टि करा देता है। गांव में जो कराएगा वो भी अपनी हेल्प सोचेगा, काम करता है, हाँ भाई दीपक फलाना डिमका जो भी है और तेरा ये काम बढ़िया कर रहा है, तू यार मेरी हेल्प कर दे। आजकल फोन पे काम चलते हैं, जो भी जमींदार का है या अस्पताल में आगे पीछे घंटा दो घंटा हो गया तो उसे सरकार को भी कहीं ना कहीं मदद मिल रही है, ये काम कर रहे हैं खूब। सरकार को AI की बहुत जरूरत है जी, और ये अपना बल्कि अच्छा टारगेट भी सरकार देती है ना, तो AI का काम ये सरकारी हॉस्पिटलों में भी इनकी जरूरत बढ़ जाती है, भाई हम इतनी AI दी तो उसका सरकार का काम बढ़ जाएगा। आप डॉक्टर हैं, स्टूडेंट हैं, फिर भी मैं एज ए पेरेंट्स आपसे बात पूछ रहा हूँ कि जो इनकी फीस है, जो यहाँ 3 महीने की फीस जमा करवाए हैं, उसमें पूरी हो जा वह इनकी संतुष्टि हो जा वह है? देखो बीइंग ए पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा यहाँ पर एडमिशन दवाना हो तो आप कितना खुश हैं? देखो जी, मेरा ख्याल क्या है, मैंने इन जो कॉलेज वालों के बारे में, इनके बारे में वो मैं इतना खुश हूँ इनकी बात में कि इतनी फीस के अंदर और एक इतना बड़ा डॉक्टर बन जाता है जो महीने का 5-7-15-20 हज़ार रुपये कमा लेता है, अपने बच्चे पाल लेगा, उनसे ज़्यादा काम करेगा। अब ये तो मैं ज़्यादा नहीं कह पाता, कई तो मेरे भी मैं जब सर्विस पे होता है, मेरे चेले काफ़ी हैं, मैं पूछता हूँ, जैसे कि यहाँ एक लीलस के अंदर था, याल की था, कुमारिया था, काफ़ी मेरे भी 15-20 छोरे हैं, तो डॉक्टरों के और VLDA के प्यारे हो जाते हैं, जैसे कि वैक्सीन के टाइम में ज़रूरत पड़ती है इनकी, टैकिंग के ऊपर ज़रूरत पड़ती है इनकी, तो बहुत बढ़िया। फिर इनसे ये भी, क्योंकि उनके प्यारे हो जाएंगे तो काम के लिए इनको कमी नहीं होती, और जितनी मेहनत करता है बच्चा तो मेरा ख्याल क्या फील्ड के अंदर भागेगा ना। एक AI 100 रुपये लेते हैं। ओके, एक AI के 100 रुपये ये बच्चा लेगा ना, और जो टाल करने ये जाएंगे तो जमींदार के 500 रुपये लगते हैं, और अच्छी नस्ल पे 1,000-2,000 भी ले लेते हैं, और ये 100 रुपये में करेगा, और ये शाम तक 20-30 करेगा, 20 भैंस को AI ये करके आ जाता है, 2,000 रुपये तो ये कमा गया ये, ठीक है जी। और उसके अलावा सिमन का खर्चा है तो क्यों 500-700 लग गए तो 1,500 रुपये तो ये कमाएगा, जिसमें प्रैक्टिस भी है। जमींदार किसी की प्रेग्नेंट भी चेक कराएगा तो ये बताएगा जी मेरी भैंस चेक कर दो, तो उससे मांगने की जरूरत नहीं हो, 50-40-20-30 देगा।
शाम तक 2-2.5-3 हज़ार रुपये कमा लेता है, एक बच्चा तो कमी का है। मेरे ख्याल से VLD की तो प्रमोशन भी नहीं होती ये ना, प्रमोशन नहीं इनकी तो प्रमोशन, हाँ VLDA प्रमोशन नहीं है। VLDA ऐसे कभी बात हुई नहीं आपकी सरकार से VLD की प्रमोशन करो खराब आप तो नहीं? बहुत बहुत लड़ाई लड़ी है लेकिन ऐसी कोई नहीं है। कमी कहाँ रहेगी, ये तो अलग सा टॉपिक आ गया वैसे तुम्हारा, कमी कहाँ रहेगी? कमी सरकार की मर्जी है, देखो इसका तो एक LBO बनाते हैं, छोटी सी एक पोस्ट है बस, उसमें कोई फर्क तो है नहीं और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। और VLDA तो जम में भी VLDA का और मरने की उम्मीद भी VLDA की है। VLDA काम बहुत करता है, VLDA इस महकमे की रीढ़ की हड्डी है, VLDA से ही ये सारा काम चल रहा है। जितना काम है जितना VSB प्रमोशन पाले अवेलेबल की नहीं, प्रमोशन के अलावा काम देखो जी, अब ये बड़े अधिकारी बैठे हैं ना, इनके तो दरअसल तो साइन ही चलेंगे। इन्होंने तो आगे पीछे फार्म पास कर दिया, जैसे कोई लोन हो गई या किसी पोस्टमार्टम हो गई, ये काम करते हैं। महकमे का जो जितना काम है वो सारा VLDA करता है, AI से लेके, टैकिंग से लेके और वैक्सीनेशन के से लेके जितना भी डिपार्टमेंट का काम है वो सारा VLDA कर रहा है। VLDA कहीं ना कहीं VLDA से ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं, पर कल नहीं है, इनको सर्विस में नंबर निकलेगा। जैसे कि वो मैत्री ले लेते हैं और ये जैसे कोई ड्रेसर ले लेते हैं या वैक्सीनेटर ले लेंगे, तो सरकार की तो पॉलिसियाँ अच्छी अच्छी आती है, तो इनका ये सर्टिफिकेट जो हमारी ये दे रही है ना कॉलेज, वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो इनका नंबर पड़ेगा। सरकार वैकेंसी तो निकालेगी, नौकरी इनकी क्लियर है फिर, इनकी नौकरी में, क्योंकि किसी चीज का तो उनको चाहिए सर्टिफिकेट। बिल्कुल, तो इसमें तो अच्छा, अब AI आप करके दिखा रहे थे शायद, हाँ है ना, हाँ, तो सर दिखाते हैं हम आपको ये दिखाते हैं। तो और बाहर की स्टेट से कौन कौन है भाई यहाँ से, हरियाणा से बाहर? ये दो बच्चे, कहाँ से हो? यूपी। यूपी से? कैसे पता लगा इस सर? यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब के माध्यम से? आप कहाँ से हो सर? हम भी यूपी से, जौनपुर से। जौनपुर से जी। आप यूपी में? गोरखपुर। गोरखपुर से? कहाँ से पता चला है? यूट्यूब के माध्यम से सर? नहीं, एक बंदा सीख के गया था यहाँ से। अच्छा, वो अच्छा पैसा कमा रहा था। अच्छा, फील्ड में अच्छा काम कर रहा है। ओके, तो उसी से बातचीत हुई तो बोला कि भाई जाके कर लो वहाँ पे, वो अच्छा। अब आप इतनी दूर से आप यहाँ पे आए, यहाँ की जो क्लास है, हॉस्टल है, रहना सहना कैसा है? बिल्कुल सही है सर, अनुभवी एक्सपीरियंसेबल डॉक्टर साहब लोग हैं, अच्छे से थियोरिकल और प्रैक्टिकली समझाते हैं हम लोगों को, बारीकियों से बताते हैं सब कुछ। चलो एक बार ये भी देख लेते हैं, एक गाय को पकड़ते कैसे हैं भाई। देखो भाई, यह सिंगाली गाय है, अभी क्यूकर पकड़ेंगे, बड़ा पकड़ा ही है, डर नू लगे जनू खुद का तेरे पे आओगी। बिल्कुल समर्थ है, क्या बात है। ये भी सरदार जी तो ठाडे थे जी, गांव भी पकड़ ली, ये भी है मेरे भाई, देखियो देखियो जमा गांव के गोडे तैयार वहीं, तो इससे भी काबू करवा देता हूँ। अच्छा, मान गया, कॉन्फिडेंस से मान गया मैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी, जो सी मर्जी पकड़ लिया जी। अच्छा ना, आप तो फिर भी ठाडे हो। नहीं नहीं, मैं तो अच्छा मैंने नू लागे नू गाके गोड्या दी थी, यहां कुकर पकड़ेंगे। चलो उठ जा जी, जो ऊपर से पकड़े तकड़ा वो तो ऊपर पकड़ लेता, छोटा है वो नीचे पैर में उड़ जाता। कंची मारा है, कंची मारा है। आज आपका मैंने नाम सुना, कमू जी बोलया, जगदीप शर्मा जी। तो इसमें देखो, मैंने पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं, जो गाय है इनका दर्द वगैरह नहीं होता इसमें? नहीं, ऐसा कुछ, इससे मोटा तो गोबर भी कर रही है, और ऐसी को गलत काम इसके साथ कराया नहीं करता। AI कर रहे हैं, PD कर रहे हैं, बच्चा चेक करना पड़ जाता है कुछ।
कैसे लगे आप, प्रेग्नेंट है कि खाली है? प्रेग्नेंट है। अब ये प्रेग्नेंट बता रहे हैं जी, जी। मेरे को ग्लव्स दो भाई। मुझे तो इस पे संतुष्टि है जी, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जी कि भाई ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ओके, देव भाई तेल दो। अच्छा, अब इस पोलोथिन के ऊपर तेल लगाओगे आप? तेल से तो इसको वो ओके ओके चिकना तो चिकना होता है। और ये हमारे सभी कॉलेज वाले देते हैं ये सारा मटेरियल, बीटाडीन है, टिक्के हैं, ग्लाउज है, शीत है, और कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है मेरे से पूछते हैं, और इन बच्चों के लिए खरीद के ये देते भी हैं। ये सर 5 महीने की गब बना, 5 महीने 5 महीने की okay. और बिल्कुल इस बच्चे ने बिल्कुल सही बताया है। और इसका थोड़ा मिलोनेक्स लगा दो, क्या मैं लगाना? 10 ml ये एक इंजेक्शन लगवा देंगे जिससे थोड़ा बहुत इसको पेन होता होगा ना हाथ से, तो वो पेन नहीं होने देंगे। गऊ के प्रति हम ये भी सोचते हैं भी तकलीफ ना हो। मतलब जो आपने हाथ आपने हाथ डाल दिया दो बंदों ने जी, तो इससे इसको थोड़ा बहुत महसूस होता है भी तेरे हाथ डाले है, तो पेन कलर इंजेक्शन लगा देंगे उससे ये बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। ओके, हाँ ये वैसे नॉर्मल होती है लेकिन हम अपनी तरफ से बोल नहीं सकती तो अपनी तरफ से सोच हाँ सोच लेते हैं भी ये मतलब इसको महसूस ना हो तेरे साथ को जास्ती करी। और वो ले आओ एक वो पकड़ो गाय, हाँ उसका देखो हम एआई करके दिखाते हैं, देख भाई पर अमित इसका देख देखो, क्योंकि आदमी के लिए डॉक्टर बनना तो कोई बड़ा सा काम नहीं, आदमी तो अपनी बीमारी बतावे भी गा जी। मेरा 2.5 दिन में डॉक्टर बनाया हुआ है 2.5 दिन में क्योंकि मैंने हॉस्पिटल खुलाने में वो बच्चा आ जाता था जी। एक दो बार मैंने उसको 2 दिन ही उसको 1 दिन टिक्के लगाने बताए थे, इतनी पंख लग गई आज वो दूर दूर तक 20-20 किलोमीटर जाके काम करता है खूब खुला, क्योंकि रहा वो नहीं लालच पड़ गया 10-20 का जी जी टिक्का लगा, बस फिर वही बात है टिक्का लगा टिक्का कहाँ, एक मिनट रुकियो भाई रुकियो, कहाँ देखा किसी, हाँ जी अच्छा पहले सिरिंज पीछे खींच के देखिए कभी नस में ना लगाओ नहीं इंट्रामस्कुलर है जी यहाँ पे बस यहाँ इसके नस में टीका लगाया जाता है जैसे बोतल लगानी पड़गी कोई भी माल शख्स है कोई डोज वगैरह तो ये देखो नस फूल जाती है ये नस फूल जाती है अंगली बुरगी हो जाए जी बताना पड़ता है जी। ना सही बात है यार क्लियर अब ये तैयार है ओके छोड़ दो भाई। अच्छा ये प्रैक्टिस करवाते टाइम चोट फेट भी लग जाती है क्यों, तो फिर कैसे मैनेज करो सर आप? दरअसल तो चोट लगती नहीं मैं तो ये कहता नहीं, हमें तो सामने आई नहीं कभी चोट, पशु के और बंदे का ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर थोड़ी बहुत लगेगी तो उसकी खुद की लापरवाही से लगेगी बच्चे को, मैं ये बार बार आपका कहना नहीं मानना तो हाँ भाई लुक मैं जो बोल नहीं रहा उससे पहले जब कोई हाथ खा लेगा तो चोट भी खा लेगा, मैं बता देता हूँ बढ़िया वाली बात, और चोट नहीं लगेगी इनके क्योंकि पशु है भागता छिड़ता है तो उसको तरीके से पकड़ो। अच्छा हाँ बस अब जैसे ये रस्सी पाई है जी अच्छा गांठ भी अलग तरीके से अलग लगेगी, गांठ भी अलग लगेगी नहीं तो फांसी लग जाएगी इसको। ये अब ये आगे से बांध दिया ये पीछे हमारी सेफ साइड होगी, लात नहीं मारेगी और ये रस्सा लग गया बैठ जाएगी, ज्यादा आगे ना लगाओ गले में रखा करो, ये जो चीज है रस्सी लगा ली इसके पीछे लात नहीं मारेगी और ठीक रहेगी। तो एक बारी फिर पीछे चला भाई आ जाओ एक बारी पीछे चलो एक वो बरना भाई बीटा दिन भर
तेल लगा लिया करो थोड़ा। अब ये बार बार जी गोबर थोड़ा बहुत आ जाता है, वो गोबर निकाल के साफ हो जाता है, उसके बाद ये जोर नहीं मारेगी। गोबर रहता है तो जोर भी मार लेती है कई बार। और अब ये फील करेगा ये प्रेग्नेंट है या खाली है। प्रेग्नेंट है तो हम छोड़ देंगे इसको, और अगर खाली है जी और कोई डिस्चार्ज वगैरह दे रही है तो हम एआई कर देते हैं। अगर ये बिल्कुल या प्रेग्नेंट है अब देखो ये मेरे बच्चे टाइम भी बता देते हैं। और यूं तो अब एक 5-6 साल की डिग्री वीएस करके जाता है ना, तो टीका लाना तो उनके लिए भी दूभर हो जाता है, क्योंकि उनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती। इनको तो शाम तक प्रैक्टिस कराते हैं। अब इसके कन्फर्म के लिए मुझे तो पता है, अब आपको दिखाने के लिए ये चीज मैं पता करूंगा भी ये ठीक बोल रहा है कि 2.5 महीने की है। ठीक है, ये 3 महीने का लगभग 3 महीने का है, क्योंकि कई बार इनको साइज छोटा महसूस होता है तो बता देते हैं। छोड़ दो मेलोनेक्स लगा दो थोड़ा। तो ये चीज है जी, और अगर आप कहें तो एक गाय और पकड़ रखी और दे ना, मैंने यूं लगा उनका दर्द हो नहीं ये बार आप फिर इनका इंजेक्शन ठोकना पड़े। इंजेक्शन तो देखो मैं अपनी सेफ साइड के लिए, इनको तकलीफ ना हो, और ये तो सोचेंगे ना तो फिर इन बच्चों को तो मैं पता ही नहीं पाऊंगा। देखो एक तकलीफ दे के दो सुख भी कर सकते हैं। एक तो इसकी जिंदगी बचना, एक जिंदगी बचाने वाला तैयार करना, दो सुख। सही बात है, सही बात है। तो भाई चलो भाई एक बार तो ये अपने पास सब बदराइन को सबको चाय पिलाओ, वहां बोलो। अब प्रैक्टिकल दिखा दी कॉलेज में, जो थ्योरेटिकल क्लास चली थी वो दिखा दी, और जो इनका ऑफिस है एआई इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग का वो मैंने दिखा दिया। कितनी मेरे भाइयों की संतुष्टि हुई, भाई अपनी राय जरूर दे दियो, और धन्यवाद भाई। जय हिंद, भारत माता की जय।